यमुनानगर खबर विशेष। नतीजों से पहले उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कितने वार्डों पर जिला परिषद व ब्लॉक समिति के आएंगे नतीजे, इस रिपोर्ट में पूरा चुनावी समीकरण को जानिए। यमुनानगर में जिला परिषद के 18 वार्ड व ब्लॉक समिति के 142 वार्ड के नतीजे आएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने काउंटिंग सेंटर पर तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। यमुनानगर के DC राहुल हुड्डा ने नतीजों से पहले प्रतिक्रिया दी है। यमुनानगर जिला परिषद चुनावों के नतीजे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 27 नवंबर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही अब उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। यमुनानगर जिले के कुल 18 जिला परिषद वार्डों में 147 प्रत्याशियों ने चुनाव में किस्मत आजमाई है। वहीं ब्लॉक समिति के 142 वार्डों में करीब 557 उम्मीदवार चुनावी रण में थे। नतीजों से पहले प्रशासन की तरफ से तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। यमुनानगर में कुल 7 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर में अलग अलग टेबल लगाए गए हैं। यमुनानगर के DC राहुल हुड्डा का कहना है कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वो प्रशासन की तरफ से 25 नवंबर से काउंटिंग सेंटर के करीब 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की गई है। आज की रात उम्मीदवारों के लिए बेहद खास होने वाली है। रविवार को तय हो जाएगा कि वार्ड का शहंशाह कौन होगा और जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। देखें रिपोर्ट। जो है हमारी काउंटिंग जो है 7 जगह पे हो रही है, 7 ब्लॉक के हिसाब से। जैसे बिलासपुर की कम्युनिटी सेंटर में हो रही है, छछरौली की गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली में हो रही है, जगाधरी की हिंदू गर्ल्स कॉलेज में हो रही है, प्रतापनगर की चौधरी रणबीर सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में है, रदौर की मुकुंदला सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, सडौरा की DAV पब्लिक स्कूल में है, सरस्वती नगर की BDO ऑफिस में है। और इसके लिए जो है इस बार जो काउंटिंग का जो प्रारूप अपनाया गया है वो 8 बजे जो है शुरू होगी। पहले जो है जिला परिषद की काउंटिंग की जाएगी जी, उसके बाद जो है पंचायत समिति की जाएगी। उसके लिए हर RO ने अपने तरफ से नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो फाइनल कर ली। मैक्सिमम जो टेबल है वो 14 है जो कि बिलासपुर और छछरौली में लगाई गई है, और मिनिमम जो है वो 10 है जो कि प्रतापनगर सडौरा और सरस्वती नगर में लगाई गई है, और रदौर में जो है 12 टेबल लगाई गई है। पहले जिला परिषद की काउंटिंग होगी जी, वो कंप्लीट होने के बाद पंचायत समिति की होगी। जिला परिषद की जो है वो वहां पर अपना एक जो रिस्पेक्टिव RO है वो अपना एक लिस्ट में अपना रिजल्ट करेंगे, फिर वो ADC ऑफिस में जो है उसको भेज देंगे। यहाँ पे कंपाइल होगा, लिस्ट कंपाइल होने के बाद जो है इलेक्शन का जो निर्वाचन सर्टिफिकेट है वो DC ऑफिस में जो है वो वहां पर दिया जाएगा, मेरे द्वारा या फिर ADC के द्वारा। मीडिया का जी बिल्कुल जो है मीडिया हर काउंटिंग सेंटर में जो है एक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा, जहां पे जो है मीडिया के साथी जो है उनको पास दिए जाएंगे जो कि DPRO के माध्यम से दिए जाएंगे, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। उनको बीच बीच में जो है काउंटिंग जो हमारे जहां काउंटिंग चल रही होगी वहां पर भी लेके जाया जाएगा, और एक नोटिस बोर्ड में हर राउंड के बाद डिस्प्ले भी किया जाएगा कि किस समय कौन सा कैंडिडेट किस स्थिति पर चल रहा है।